नेक्स्ट प्लेस लिखेंगे भाई यहाँ पर अनंतनाग के एरिया में ही पहलगाम के बाद आपकी नेक्स्ट प्लेस आएगी। वेरीनाग स्प्रिंग देखा, सेकंड पहलगाम देखा एंड थर्ड इज अजबल। थर्ड प्लेस है आपकी अजबल। यहाँ पर इसको देखेंगे अजबल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है क्या है। और ये जो है कल्हान की राज तरंगिणी के अनुसार अचबल जो है वो एक डायनेस्टी थी। एक डायनेस्टी उस वक्त हुआ करती थी गोनंडिया डायनेस्टी। गोनंडिया डायनेस्टी के जो राजा थे उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया। अक्सा जो थे उनके द्वारा इस एरिया को फाउंड किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। और ये जो पूरा एरिया है अचबल, ये पूरा एरिया जो है किसने बनाया था, मतलब इसके आसपास जो पूरा स्प्रिंग है और गार्डन्स जो बनाए जहांगीर हैं मुगल्स जहांगीर ने, जहांगीर मुगल्स ने। ठीक है, और इस पूरे गार्डन का जो अचबल का एक स्प्रिंग बना है और जो इसके आसपास गार्डन बने हुए हैं, इसका जो पूरा एरिया अपर पार्ट है इसको क्या कहते हैं, उसको बाग ए बेगम आजाद। बाग ए बेगम आजाद किसने बनाया था इसको, नूरजहां ने। ठीक है, तो ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। और इन्हीं के बीचों बीच, इस गार्डन के बीचों बीच एक बना हुआ है मॉस्क्यू, एक मस्जिद बना हुआ है। और वो जो है किसने बनाया है, वो बनाया है जो औरंगजेब के भाई थे जो कि प्रिंस थे दाराशिकोह। नाम सुना है यस दारा मैम शिकोह, उन्होंने यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो दारा शिकोह थे उन्होंने इसके अंदर जो मॉस्क्यू है उसको डेवलप करवाया था। और जो ये अजबल है ये नूर जहां का एक फेवरेट जगहों में से एक था, वो यहाँ पर काफी ज्यादा आती थी। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है कि इनके फेवरेट जगह में से एक हुआ करता था अजबल गार्डन्स या फिर अजबल। ये जो है जहांगीर, जहांगीर की वाइफ, उन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर बनवाया था नूर जहां। और इसी को आगे कंप्लीट कराया या रेनोवेट कराया और ज्यादा रिबिल्ड करवाया, वो कराया था गुलाब सिंह ने। तो आप कह सकते हो कि इसको रिबिल्ड करवाया था गुलाब सिंह तो आपको ये याद रखना है अजमल के बारे में इंफॉर्मेशन। लिख लिया होगा सबने यहां तक। अजमल जो है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि यहाँ पर जो है ये बागे बेगम आजाद कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके का बन सकता है। बाकी इसके आसपास के एरिया का पूछ सकते हैं कि इसके आसपास कौन कौन से एरिया पड़ते हैं। तो देखो भाई, इसके आसपास जो आपका ये वाला एरिया है अजबल, इसके पास में एक टेम्पल आता है मार्टांड सन टेम्पल, इसी अजबल के पास में। नियर बाय लोकेशन कौन सी है इसकी, अनंतनाग ठीक है, मार्टांड सन टेम्पल, ये भी यहाँ पर बना हुआ है। और ये बनवाया किसने था, लिखी देता मैं ललित ललित, अदित ललित ललित राइट, अदित ललित आदित्य, ठीक है एग्जैक्टली। तो सन टेम्पल क्यों रखा गया था, क्योंकि सूर्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, सन डायनेस्टी, जिसकी वजह से इनका नाम जो है वो सन टेम्पल के नाम पे रखा गया था। और ऐसा कहा जाता है ये एक आर्ट एंड स्किल ऑफ कश्मीरी हिंदूज,
जो है उसके नाम से ही काफी फेमस है कि आर्ट और स्किल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है किस कश्मीरी हिंदू की। ठीक है, तो ये या आपको याद रखना, ललित आदित्य एक पर्सन थे, उन्होंने इसको बनवाया था। तो उस डायनेस्टी। हाँ लिखवारी में भी वो माटान सन टेम्पल के बारे में भी लिखेंगे सब लोग थोड़ा सी इंफॉर्मेशन। माटान सन टेम्पल जो है, लॉर्ड टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? सूर्य देव लॉर्ड मैन, शिवा लॉर्ड शिवा प्लस सूर्य, सूर्य को डेडिकेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सूर्य। ठीक है, सन टेम्पल लिखा है, सूर्य लिखा है। मार्टांड जो है क्या है ये? मार्टांड वर्ड जो है ये संस्कृत वर्ड है, इट इज अ संस्कृत वर्ड विच ऑल्सो मीन सन। ठीक है, इसका मीनिंग भी सन ही है। ठीक है, और डिस्ट्रॉय करा था इसको, इस पूरे टेम्पल को बनाया था ललित आदित्य ने, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करने वाले पर्सन थे सिकंदर शाह मीर। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करा था, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय सिकंदर शाह मीर। ये आपका जो पूरा ही अनंतनाग एरिया के अंदर ही आपका पड़ेगा। ये माटांड सब बनाया किसने? एक डायनेस्टी थी कारकोटा डायनेस्टी, अच्छा कारकोटा डायनेस्टी। इसके जो एक पर्सन थे, इसके जो एक रूलर थे, थर्ड रूलर थे ये, ललित आदित्य मुक्तापिदा, ललित आदित्य मुक्तापिता, उन्होंने जो है इसको क्या था, इन्होंने यहाँ पर इसको बनवाया था, माटांड सन टेम्पल। फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बट बनाने का जो नाम है और डिस्ट्रॉय का नाम आपको पता होना चाहिए, नाम दोनों के पता होने चाहिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ASI ने इस जगह को, माटांड सन टेम्पल को क्या डिक्लेयर किया है? साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, ये भी लिख लेना। और जो आपकी काफी सारी मूवीज हैं उसमें माटांड सन टेम्पल जो है आपको पीछे देखने को मिलेगा, जो पुरानी मूवी उसमें बहुत जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगी, काफी पुरानी मूवीज के अंदर जो है बैकग्राउंड में, जहाँ पे आपको पता ही है ना, जो पुरानी मूवीज में सॉन्ग्स वगैरह गाते थे वो बैठे कहीं और है, सॉन्ग जो गा रहे हैं वो तो बिल्कुल कश्मीर की वैलीज में आसपास फूल ही फूल है, सॉन्ग वहां पे गा रहे हैं। तो वो जो सॉन्ग्स की जो शूटिंग हुआ करती थी, बहुत सारे सॉन्ग्स थे उनकी शूटिंग वहां पे की गई थी। काफी सारे वो एरियाज हैं जो कि बस क्योंकि मूवी दिखा रहे हो बॉम्बे की, और बॉम्बे में तो ऐसा एरिया है नहीं, दिल्ली की दिखा रहे हैं मूवी, दिल्ली में तो ऐसा दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता, कोई पार्क नहीं है, चाहे मतलब तो दिल्ली में तो पार्क की भी बहुत कम है, दिल्ली के एरिया में तो आपको पार्क भी मतलब बहुत मुश्किल से कहीं पर नजर में आएंगे कि कोई एक आधा पार्क नजर आ गया, पूरी जगह रोड है, लोग ही लोग हैं, एंड पूरी पॉपुलेशन भरी हुई है, व्हीकल, चाणक्यपुरी में है दो तीन, ये वो ऐसे पार्क मतलब बहुत कम पार्क है वहां पर, बहुत ही कम पार्क इसमें मिलेंगे। हमारे पूरे एरिया में कोई पार्क नहीं मिलेगा, पार्क मिलेगा भी तो बहुत इतना सा जरा सा मिलेगा ना, वहां पे बहुत कम लोग जा सकते हैं, ओपन जिम वगैरह खुले हुए हैं यहाँ पर भी, दिल्ली में तो काफी है इन चीजों में, लेकिन पार्क बहुत कम मिलेंगे। जबकि आप जम्मू कश्मीर के एरिया में देखो तो सबसे जो ब्यूटीफुल चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो यहीं पे मिलेंगी, द हेवन फॉल्स हियर जो कहते हैं वो एक्चुअली में ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर आपको इतनी चीजें देखने को मिलेंगी, इतनी ब्यूटीफुल चीजें हैं, गार्डन्स हैं, स्प्रिंग है, लेक है, रिवर्स हैं, सब इतना ब्यूटीफुल सा नजर में आता है। तो ये आपको सब, इसलिए आपको इसमें चीजें ज्यादा भी पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज ये चीजें जम्मू कश्मीर में है भी बहुत ज्यादा, टूरिस्ट प्लेसेस जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका हुआ माटांड सन टेम्पल और अजबन। इसके बाद यहाँ पर एक और जगह है, वो है आपकी
कोकरनाग 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 जो है ये वाला एरिया भी आपको देखना है। ये एरिया आपका जो है कहाँ पे पड़ता है, ये एरिया कोकरनाग आपको तहसील में बताया था, ये एरिया आपका पड़ता है ब्रेंग वैली के अंदर। मैम आप आए यहाँ, मेरा जेन्युइनली आफरीन बहुत मन है कभी कश्मीर आने का, कभी कश्मीर आना हो। मैम आपको इंशाल्लाह हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, आपको इनवाइट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे सारा। हाँ मेरा भी सच में बहुत मन है लिए से पहले का। हाँ कश्मीर आने का बहुत मेरा इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये मतलब इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ जो है सुना है, एक बार देखने का भी मन हो ही जाता है कि इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस देख ही जाए। यहाँ तो सब कुछ है मैम, एक्चुअली हम अनंतनाग से ही है। ओके ओके बढ़िया जगह रहते हो। चलो इसमें नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे कोकरनाग जो है ये आपका ब्रेंग वैली में सिचुएटेड है। ब्रेंग वैली को क्या बोला जाता है? गोल्डन क्राउन, गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। ब्रेंग वैली इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। और ये जो पूरा आपका एरिया है ये वाला, इस एरिया के अंदर आपको फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और यहीं पर आपको हैंडीक्राफ्ट वगैरह को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG जिनको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये क्या करते हैं, मतलब सेल्फ हेल्प समझ आ रहा है ना, अपने आप की खुद से मदद कर रहे हैं। यस मैम, खुद से वुमेन है हाँ, हैंडीक्राफ्ट मटेरियल क्योंकि जो आपने खुद से बनाया है उनको मार्केट में जाके सेल करना, तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे बनाए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं यहाँ पर नबार्ड। ये नबार्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ रीजनल रूरल बैंक को सेटअप कराता है, और जो भी वहां के लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रूरल एरियाज में जो होती हैं उन सब के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये यहाँ पर जो है यहाँ की लेडीज जो है यहाँ की जो फीमेल्स है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको प्रमोट करती है। ये था आपका कोकरनाग। कोकरनाग के बारे में आपको एक तो ये पॉइंट याद रखना है, गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हो सकता है एक स्टेटमेंट वगैरह आ जाए तो उसमें पूछ लिया जाए। कोकरनाग जो है इसके नाम के पीछे भी बहुत अलग अलग स्टोरी है, इसका नाम जो है वो कोकरनाग क्यों रखा गया, और कोकरनाग ऐसा कहा गया कि भाई एक तो कोकर जो है यहाँ पे एक माउंटेन का नाम है, कोह माउंटेन है यहाँ पर इसलिए वहां से, और नाग जो है वो एक स्प्रिंग हो गया तो इसलिए इसका नाम कोकरनाग पड़ गया। ऐसा अलग अलग स्टोरीज हैं इसके पीछे, बाकी आईने अकबरी के अंदर भी इसका मेंशन है। ठीक है, आईने अकबरी जो थी अकबर वाली अबुल फजल ने जो लिखी थी उस बुक में भी इसका मेंशन है, और ऐसा कहा गया है कि जो कोकरनाग के जो पानी है, जो कोकरनाग पूरा स्प्रिंग है उसका जो पानी है वो आपकी डाइजेशन के लिए, प्यास और इनडाइजेशन तीनों को आपको सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है, आपकी हंगर, आपकी थर्स्ट एंड इनडाइजेशन इन तीनों को ही सेटिस्फाई करने में ये हेल्प करता है कोकरनाग। मैम देखिए रियलिटी सच है, मैंने पिया। ओके, और इसी एरिया में जो आपका ये कोकरनाग बना है इसमें एक गार्डन भी बना है, स्प्रिंग भी बना हुआ है पूरा, पानी भी है और एक गार्डन भी बना हुआ है। तो जो गार्डन है इसमें वो किसने बनवाया है, जो कोकरनाग का जो गार्डन है, ये कोकरनाग गार्डन जो है डेवलप किसने कराया, भाई नाम लिखेंगे पर्सन का, नाम है बख्शी गुलाम मोहम्मद।
बख्शी गुलाम मोहम्मद इस ब्यूटीफुल गार्डन को यहाँ पर डेवलप किया है। मैम यहाँ पे ट्राउट हैचरी है ना, जो इंडिया की सबसे नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में सबसे जो लार्जेस्ट रेनबो ट्राउट हैचरी है वो यहीं पे है। हाँ क्या ये भी कह सकते हो, लिख सकते हो इसके अंदर। ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस, हाँ सकते हो वो भी इसके अंदर। ये आपको याद रखना है कोकरनाक। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं जो हमने अभी पढ़ा है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कश्मीर से। कश्मीर में हमने सिर्फ फर्स्ट एरिया अभी स्टार्ट किया अनंतनाग। अनंतनाग में हमने 12 तहसील यहाँ पे पढ़ी थी कि 12 तहसील से। एंड फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर लिद्दर रिवर भी फ्लो करती है। ये सारे एरियाज देखे थे। फिर हमने स्टार्ट किया था पहला अनंतनाग का एरिया जिसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग एंड मुगल गार्डन्स। वेरीनाग स्प्रिंग आपने देखा किसने बनवाया, मुगल गार्डन्स किसने बनवाए, कहाँ कहाँ पे मेंशन है उनका, इस वेरीनाग स्प्रिंग का किस किस जगह पे मेंशन कर रखा है। फिर हमने वेरी इसमें अनंतनाग में सेकंड प्लेस देखी जो है पहलगाम। पहलगाम इज ऑल्सो अ तहसील ऑफ दिस एरिया एंड अ ब्यूटिफुल प्लेस। पहलगाम से ही आपको जो है कोलहोई ग्लेशियर एंड अमरनाथ की यात्रा का रास्ता निकलता है। और इसमें हमने एक पर्सन का नाम देखा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर्सन का नाम भृगु मुनि का नाम आपको याद रखना। फिर हमने देखा कि यहीं पर एक और वैली आती है बेताब वैली जिसका नाम हागुन वैली था। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हागुन इम्पोर्टेंट है। फिर हमने इसके अंदर दो पहले एरिया देखे, एक देखा हमने सबसे पहले वेरीनाग, फिर हमने देखा पहलगाम, फिर हमने देखा अचबल। अचबल में भी आपको याद रखना है बागे बेगम आजाद किसको कहते हैं, प्रिंस धारा सिंह ने यहाँ पर एक मौत पाया था। ये आपको याद रखना है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अचबल के बारे में। एंड देन फिर आपको याद रखना है अचबल के साथ में ही एक और आती है माटान सन टेम्पल। किसने बनवाया, कौन सी डायनेस्टी के पर्सन थे और किसने डिस्ट्रॉय किया, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। बनवाया किसने, डिस्ट्रॉय किसने किया और कौन सी डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा इसमें फोर्थ प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस नहीं है, ये फोर्थ प्लेस है कोकरनाग, इसको हमने देखा। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ अनंतनाग ही कवर अप किया है। अनंतनाग हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अनंतनाग में ही हमने जो है ये तीन चार प्लेसेस को अभी कवर अप किया है। और इसके अलावा जो अनंतनाग है वहां पर और भी आपको प्लेसेस देखने को मिलेंगी। जियारत जैनुद्दीन वाली आपको देखने को मिलेगी, पिछली आज फरीद पड़ी थी हमने, या जैनुद्दीन देखने को मिलेगी यहाँ पर हम जैनुद्दीन वाली। हाँ, और जीरत बाबा हैदर ऋषि ये मिलेंगे यहाँ पर, इनका टॉम मिलेगा। नसीरुद्दीन की मिलेगी यहाँ पर आपको दरगाह, और बाबा खाकी यहाँ पे मिलेगा। ये सारे और भी आपको रिलीजियस प्लेसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उमा देवी, नागडंडी, भूमजा केव्स, ये सारे और भी जगह है। ठीक है, अनंतनाग में 5-6 जगह भी और हैं, वो भी हमें कवर अप करने टूरिस्ट प्लेसेस में। ठीक है भाई, यहाँ तक डाउट? नो मैम। अफरीन, जगतार, इमरान, कोजिया, शबनम, तामिया। नो मैम, थैंक यू। नो मैम। रजिया, तुफेल, साइमा, रूही आप क्लास में आ नहीं रहे थे एक दो दिनों से। दीदी मैं पेरेंट्स के साथ कहीं गई थी। अच्छा, ओके। रजिया, रियाज, तुफेल, ठीक है भाई, फिर ओवर करते हैं क्लास। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।